तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना और योगी आदित्यनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर बाबा और योगी सत्ता के लालची नहीं है तो वो अपनी कुर्सी छोड़े और किसी और को मौका दे। सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। साथ सबका विकास का रास्ता है और जातीय जनगणना से समाज जुड़ेगा, समाज बटेगा नहीं, और जो लोग बांटते रहे हैं, जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 69,000 शिक्षकों पे सर लाठी चार्ज हुई है जो आज देखिए 69,000 के साथ और खासकर आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और ये सरकार जानबूझ करके कर रही है। 69,000 बच्चों का पहले तो हक मारना और जब न्यायालय के माध्यम से उनको हक मिलने का रास्ता मिल जाए उसमें भी रोड़ा अटका रहे हैं। 69,000 वाले बच्चे किसी की भी नौकरी नहीं छीनना चाहते। ये अगर नौकरी मिली और नौकरी छीनी गई ये सरकार ने किया है, सरकार के लोगों ने षड्यंत्र किया है। सरकार इस षड्यंत्र में शामिल रही है, सरकार जिम्मेदार है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की। सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई भी साधु कोई संत योगी जो है सत्ता का गुलाम नहीं है। कैसे वैसे आप खुश तब रहोगे जब उनकी कोई बात सीरियस मत लो आप उनकी बात सीरियस क्यों लेते हो। देखिए